आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। रायबरेली में अखिलेश यादव द्वारा कांसीराम की प्रतिमा के अनावरण के बाद मायावती द्वारा सपा पर किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए सपा नेता राजगोविंद चौधरी ने कहा कि मुलायम सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल में विधानसभा के सामने अंबेडकर संस्थान की स्थापना की, जो आज भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवाद, अम्बेडकरवाद और गांधीवाद के रास्ते पर चलती है। वही कहा कि समाजवादी पार्टी अपने सभी बुजुर्ग नेताओं का सम्मान करती है। अगर अखिलेश यादव ने कांसीराम की मूर्ति का अनावरण किया तो मायावती को खुश होना चाहिए। अगर मायावती दुखी हो रही है तो इसका मतलब है कि भाजपा के दबाव में काम कर रही है। समाजवादी पार्टी से सभी धर्म और जाति के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन मायावती का दुख यह है कि बीजेपी को हराने के बजाय सपा से ही लड़ना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत इस बात पर लगाएगी कि 2024 में भाजपा की सरकार ना बने। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। जब पहली दफा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हुए तो विधानसभा के सामने उन्होंने अम्बेडकर संस्थान की स्थापना की, अम्बेडकर की मूर्ति और उसका संस्थान बना दिया जो आज तक चल रहा है। तो मुलायम सिंह जी, अखिलेश या पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवाद, अम्बेडकरवाद, गांधीवाद के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी सभी अपने बुजुर्ग नेताओं का सम्मान करती है। अब मायावती जी क्यों ऐसा बोल रही है वो तो खुद समझे भाई। कांसीराम जी की मूर्ति का अनावरण करके मूर्ति बनाना, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए, तो दुखी क्यों हो रही है? इसलिए समझिए कि हर काम उनका भारतीय जनता पार्टी के दबाव में होता है। भाई मूर्ति लगवाया भी हमारे पार्टी के लोगों ने, उसका अनावरण किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं हमारे महासचिव, उनकी पत्नी की स्कूल है, उसी स्कूल में उन लोगों ने बनवाया। तो मायावती को किस बात का डर है आखिर? अब समाजवादी पार्टी में हर जात धर्म के लोग जुट रहे हैं पहले से, और दुख केवल इस बात का है कि जो और पार्टियां हैं भाजपा के विरोध, वो भाजपा को हराने के बजाय उस सपा से ही लड़ना चाहती है, और सपा एकदम मजबूत होकर के जनता के साथ खड़ी है, और 2024 में जरूर जनता देगी साथ समाजवादी पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने इसमें पूरा अपनी ताकत समाजवादी पार्टी लगाएगी। अभी अगर हम बात करें भाई, मूर्ति लगवाया भी हमारे पार्टी के लोगों ने, उसका अनावरण किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं हमारे महासचिव, उनकी पत्नी की स्कूल है, उसी स्कूल में उन लोगों ने बनवाया। तो किस बात का डर है? अब समाजवादी पार्टी में हर जात धर्म के लोग जुट रहे हैं पहले से, और दुख केवल इस बात का है कि जो और पार्टियां हैं भाजपा के विरोध, वो भाजपा को हराने के बजाय उस सपा से ही लड़ना चाहती है, और सपा एकदम मजबूत होकर के जनता के साथ खड़ी है, और 2024 में जरूर जनता देगी साथ समाजवादी पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने इसमें पूरा अपनी ताकत समाजवादी पार्टी लगाएगी। अभी अगर हम बात करें प्रदेश की स्थिति की, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और लगातार अतीक अहमद पर कार्रवाई चल रही है, इस तरीके की कार्रवाई या बुलडोजर की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? हम भारत को व उत्तर प्रदेश को न्याय संगत बनाना चाहते हैं, कोई कार्रवाई कानून के अंतर्गत हो। हमारा काम है अपराधी को पुलिस पकड़े, उसका चालान करे, न्याय देने का काम न्यायालय का है। दुख है कि समाजवादी पार्टी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी स्वयं न्यायालय का भी काम कर रही है, सरकार का भी काम कर रही है, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबका काम अपने हाथ में लिया है। ये निंदनीय है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से योगी सरकार जो है काम कर रही है, बुलडोजर चला रही है, वो कह रही है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को 2024 में होने वाला है क्या? अगर हम किसी का मकान बना नहीं सकते तो किसी का मकान तोड़ने का हमको अधिकार नहीं है, जब तक न्यायालय का कोई आदेश न हो।
और मन अपराधी के कह रहे हैं। जनरल सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर गरीबों का भी घर गिराया जा रहा है, गरीबों का भी घर गिराया जा रहा है। अभी देखिए शिव जी के मूर्ति को उखाड़ लिया गया कानपुर में और उसका घर बुलडोजर चला दिया गया है, जल के माँ बेटी मर गए। समाजवादी पार्टी तो इसको बहुत गंभीरता से लेगी और वोट तो जनता के हाथ में है और मेरा जैसा आदमी चुनाव के गणना के बाद कह देगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हम ताकत से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि इस बार हम सभी महानगरों में और नगर निकाय में जो है 100% हम जीत दर्ज करेंगे। नहीं, महानगर भी पहले से जीतते रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। वो सत्ता में रहे तो अब न सत्ता में रहे तो महानगरों में उनकी जीत होती रही है, लेकिन अब मुश्किल है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों को रुख करना शुरू किया है, इस बार महानगरों में, नगर पालिकाओं में और टाउन एरियाओं में समाजवादी पार्टी बहुमत से जीती। अगली बार भी नगर पालिका टाउन एरिया सबसे अधिक सपा जीती थी और नगर महापालिका सबसे ज़्यादा भाजपा जीती थी। इस बार क्या होगा? इस बार सबसे ज़्यादा टाउन एरिया नगर पालिका भी हम जीतेंगे और अधिक नहीं तो टक्कर में हम नगर महापालिका भी जीतेंगे। अंत में सिर्फ एक सवाल, आपके सहयोगी रह चुके ओम प्रकाश राजभर अभी भी? ये आप सबका, बलिया जनपद के सभी हमारे सम्मानित नेताओं का, सम्मानित कार्यकर्ताओं का, मीडिया भाइयों का, समाज के अंतिम व्यक्ति का, सबकी बात को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जानते थे कि राजमंगल यादव समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ करेगा, अपना खून भी दे सकता है। इस वजह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूसरी बार आपके बेटा पर, आपके भाई के ऊपर विश्वास जताया है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं बलिया जनपद के कई कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने सम्मानित नेताओं के तरफ से, हमारे नेता माननीय अभिभावक बैठे हुए हैं, सबके तरफ से कि बलिया जनपद में जो भी आशा विश्वास है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसको पूरा करने के लिए सब कुछ लगाया जाएगा और समाजवादी पार्टी को ताकत को बढ़ाया जाएगा। हर वर्ग हर जात को सम्मान दिया जाएगा और सम्मान के साथ उसको समाजवादी पार्टी में जोड़ा जाएगा। थैंक यू।